हाइट भी कुछ नहीं करूंगा और ये लेके आए ना डंकी भाई का सारी तवज्जो इधर है। तो मुँह में जाते ही मेल्ट हो गया आप मटर लेकिन वैसे भी मैंने रेस्टोरेंट में एक ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम लगा दी है जिससे हर किस्म की तकलीफ परेशानी से आप लोग बच जाएंगे। आप सब लोग कर सकते हैं ऐसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 28 सितंबर 2023 है और आज उस बिज़नेस की ओपनिंग डेट है जो मैंने आपको ज़ीरो से शुरू करके दिखाया तकरीबन 2 महीने पहले। और मैं जो जो चीज़ें आपको बताता हूँ आप उसको पॉइंट वाइज नोट डाउन कर लिया करें, किसी डायरी पे लिख लिया करें या अपने नोट्स में लिख लिया करें। अच्छा, आज से एक दिन पहले यानी कि 27 सितंबर को मैं 27 सितंबर को रेस्टोरेंट गया हूँ, यानी उस लोकेशन पे गया। वहाँ जाके मैंने चीज़ों को देखा, बहुत सारी चीज़ें मिसिंग थी उसके बीच में, जैसा कि वॉशरूम की वैनिटी है उसकी टैब नहीं लगी हुई थी, उसके अलावा जो है यानी फर्नीचर जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें मिसिंग थी, और एक वाटरफॉल हमने बनाई थी वो भी अभी रेडी नहीं थी। काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि प्रॉब्लम नज़र आ रही थी। मैंने वहाँ जाके भागना दौड़ना शुरू कर दिया, काम करना शुरू कर दिया, ख़ुद से जाके करवाना शुरू कर दिया, ये फर्नीचर सेट करें ये करें, लेकिन उसके फौरन बाद मैंने उस काम को बंद कर दिया। देखें, मैं ख़ुद वापस आ गया, वापस आया घर आके मैंने मोबाइल फ़ोन ऑफ किया, ऑफ़ करके मैं दिन में सो गया। अब बात यह है कि हर काम इंसान ने खुद नहीं करना होता। बताना मैं आपको ये चाह रहा हूँ कि हर चीज़ जब आपने एक बंदे को एलोकेट कर दी है कि यार तुम इस काम को करोगे, तुम फर्नीचर की सेटिंग कराओगे, तुमने आज ओपनिंग है तुम मैरिनेशन कराओगे, तो आपको फिर पेन लेने की क्या ज़रूरत है? आप ज़बरदस्ती की पेन ना लें, हर काम खुद करने की कोशिश ना करें। लोग जो हैं ओनर बन जाते हैं सिस्टम के और कहते हैं कि जी हर काम हमने खुद करना है। हर काम खुद कोई भी नहीं कर सकता। आप हर काम एक मर्तबा एक बंदे को सामने बिठा के बता दिया करें कि भाई तुमने ये काम करनी है, उसके बाद जब टाइम आएगा तो उसने आपको जवाब भी तो देना है, उसको भी तो तकलीफ होगी, उसको भी तो सोच होगी ना कि यार इस बंदे ने मेरे जिम्मे काम लगाया है तो मैंने वो काम करने। तो लिहाजा मैंने सारी चीज़ें छोड़ दी और मुझे उम्मीद भी है वो सारी चीज़ें सेटल होंगी। अगर मैं होता तब भी ऐसे सेटल होनी थी, अगर मैं नहीं जाऊंगा तब भी ऐसे सेटल होगी। चीज़ों को डिसेंट्रलाइज करें, हर चीज़ अपने ऊपर वो ना मुसल्लत करें। आप अगर इस सिस्टम के ओनर हैं या नया सिस्टम बना रहे हैं और आप जो है सारा दिन ऐसे भाग दौड़ में ऐसे भागते रहें दौड़ते रहें तो वो फिर जो है आप मेंटल स्ट्रेस में जाएंगे, आप अपना काम नहीं कर सकेंगे। काम लोगों के ज़िम्मे लगाएं, उनसे करवाएं, और उसमें जो है बजाय के उस चीज़ की पेन ले आप उनसे सवाल जवाब। उन्हें ये पता होना चाहिए कि भाई अगर हमने ये काम ना किया तो कल हमने उसको फेस करना है, उस बंदे को उसको हमने जवाब देना है। दूसरी चीज़, जब भी किसी बिजनेस को आप ओपन करें, ओपनिंग पे हम एक गलती करते हैं। हम क्या करते हैं कि अपने यार दोस्तों को बुला लेते हैं, अपने रिलेटिव्स बुलाना चाहिए, बिल्कुल रिलेटिव्स को बुलाना चाहिए, यार दोस्तों को बुलाना चाहिए, लेकिन वेरी नेक्स्ट डे बुला लें, ओपनिंग के एक दिन बाद बुला लें। ओपनिंग वाले दिन पहली प्रायोरिटी किसकी होनी चाहिए? इन्फ्लुएंसर्स हो गए, यूट्यूबर्स हो गए, आजकल सोशल मीडिया। पहले केबल पे ऐड चलानी पड़ती थी, केबल से जो है आप रिस्पॉन्स लेते थे लोगों का, आजकल सोशल मीडिया से रिस्पॉन्स लेते हैं। प्री हाइप आपने क्रिएट करनी होती है। तो प्री हाइप क्रिएट करने के लिए आप इन्फ्लुएंसर्स को बुलाएं। तरीका कार क्या है? एक अच्छा सा गिफ्ट पैक बनाएं, उनके घर पे जो है TCS करवा दें और उसमें इनविटेशन कार्ड रख दें। वो भी मेरे पास शायद तस्वीर पड़ी होगी तो मैं उसकी आपको दे दूंगा। आप उनको इनवाइट करेंगे, लोग नॉर्मली आपके पास आते हैं, आप अच्छे से इनवाइट करेंगे तो ज़रूर आएंगे। आप खाली एक कार्ड उठा के किसी के घर भेज देंगे तो वो नहीं आएगा। प्री हाइप क्रिएट करें, देखें किस उस ओपनिंग वाले दिन पे, चाहे आपकी टायर की दुकान है, चाहे आपका पिज्ज़ा का काम है, चाहे आपका जो है कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कोई चीज़ आप कर रहे हैं,
आपने पहले दिन आप हाइप बनेगी तो कस्टमर आएगा, हाइप क्या आपके यार दोस्त बना लेंगे, ऐसे नहीं बनाएंगे यार दोस्त। सबको हर किसी को बुलाना चाहिए अपनी खुशी में, लेकिन अपने बिजनेस को भी प्रायोरिटी पे रखना चाहिए कि हाइप बनेगी। पहले दिन ये लोग आएंगे, ये स्टोरीज लगाएंगे, ये रील्स लगाएंगे, या कोई आपकी जो है वीडियो बना के लगा देगा अपने पेज के ऊपर, तो उससे अगले दिन वेरी नेक्स्ट डे आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो ये एक चीज ये है कि आप इन लोगों को ज्यादा फोकस करें ओपनिंग वाले दिन के अंदर, ताकि वो आए अगले दिन आपके पास, आपका कस्टमर आएगा, चाहे आपकी किसी चीज की भी दुकान है, आप लाइक आपने बेकरी बना ली है, कुछ इस तरह की चीज बना ली, आपके पास कस्टमर अगले दिन आएगा, फिर उस कस्टमर को आपने सस्टेन करने, एक मरतबा लोग आ जाते हैं उसको रोकना है। अब उसका जो बैड एक्सपीरियंस जाएगा फर्स्ट डे में, सेकंड डे में, हफ्ता वो आएंगे उसके बाद भाग जाएंगे, आप कहेंगे हाँ जी मेरा बिजनेस जो है उसमें प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन आप अगर कोशिश करें तो मेहनत करें इसके अंदर, यानी मेहनत की जरूरत है कस्टमर को रिटेन करने की। अब रिटेन करेंगे तो वो फिर रिपीट होंगे, रिपीट होंगे तो कारोबार चल जाएगा, चाहे कोई भी कारोबार हो, हर कारोबार कस्टमर पे ही चल रहा होता है। वो किसी चीज की दुकान है, किसी चीज की कोई भी चीज है, कोई सर्विसेज का है, इंसानों पे ही चल रहा था। इंसान आपके पास आए उनको आप रिटेन करें, मतलब कस्टमर आए कस्टमर को रिटेन करें। आज का दिन जो है मेरे उस बिजनेस की ओपनिंग है, जो मैं आपको जीरो से आपको तकरीबन 2 महीने पहले मैंने दिखाया था बनाना, आज उसकी ओपनिंग सेरेमनी है। मैं आपको वो पूरी सेरेमनी दिखाऊंगा, उसमें सारे जो लोग आ रहे हैं, एक फंक्शन हमने करवाया है, वो फंक्शन सारा दिखाऊंगा, और मुकम्मल तौर पे जो है आज के दिन की जो वीडियो है वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीजें दिखाऊंगा, डे स्टार्ट से लेकर डे एंड तक, ओपनिंग सेरेमनी एंड होते तक मैं तमाम चीजें आपको दिखाऊंगा। एक और चीज, मैंने रेस्टोरेंट में एक ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम लगा दिया है जिससे हर किस्म की तकलीफ परेशानी से आप लोग बच जाएंगे, आप सब लोग कर सकते हैं ऐसा। वो क्या ऐसा सिस्टम है जो आपको हर परेशानी से आपकी परेशानी भी दूर कर देगा, आपको मसाइल भी नहीं आएंगे, आपकी गैबी मदद भी होगी, वो मैं आपको भी जो है वो सिक्योरिटी सिस्टम जाके अभी रेस्टोरेंट में दिखा। अच्छा, सिक्योरिटी सिस्टम का मैंने आपको एक बोला था कि मैंने एक ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम लगा दिया जिससे सारी परेशानी, हर चीज़, मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे आपके, सब लोग लगा सकते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या है। ये है वो सिक्योरिटी सिस्टम जिसको आप अपने कारोबार में इंस्टॉल कर लेंगे तो सारी दिक्कतें, परेशानियां, हर चीज खत्म हो जाएगी। अपने माँ बाप की तस्वीर लें, अपने कारोबार में सबसे पहले जो है उसको लगाएं, अल्लाह ताला की तरफ से मदद होगी। कल मैं, अब बहुत सारी चीजें पेंडिंग थी, मिसमैनेजमेंट थी, मैं वो सारी चीजें जो है देख रहा था जिसमें मैं खुद काम कर रहा था। मैंने आपको बताया काम मैंने छोड़ा, कल मैं दिन में चला गया हूँ, पहले दिन में सोया हूँ, उसके बाद रात में शाम पता नहीं 7:30-8 बजे मैं चला गया हूँ अपने घर, घर जाके सुकून से गालबा 9 बजे मैं सो गया हूँ। अब सुबह उठा हूँ, सब ने अपने अपने काम कर लिए, ये सारी चीजें कल मौजूद नहीं थी, ये सब चीजें लग गई हैं। अब मैं आपको वन बाई वन दिखाता चला जाता हूँ कि इन्होंने क्या क्या काम किया। अब मैं इसके अंदर खुद अगर जो है पेन लेता तो यही चीजें होनी थी ज्यादा से ज्यादा। ये अरेंजमेंट हो गई तकरीबन, वाटरफॉल इन्होंने तैयार कर ली, आज यूनिफॉर्म पहन के सारे खड़े हुए हैं, अपने काम कर रहे हैं। यही मैंने करवाना था ना, यही मैंने बोलना था, शोर करना था, अपने आप को डिस्टर्ब करना था, ये सारी चीजें सेट हो गई। ये सेट हो गई सारी चीजें, सब लोगों ने हर चीजें तकरीबन प्रॉपर कर ली, यही चीजें मैंने करवानी थी, पेन मैंने लेनी थी, मैंने पेन ली नहीं। ये अब मैं किचन में आ गया, तो इस चीज को आप नोट डाउन करो, मेरी चीजों को लिखा करो पॉइंट वाइज, और जब कारोबार शुरू करो इन्हीं चीजों को देखो और इन्हीं को स्टेप बाय स्टेप आप प्रैक्टिकली करो।
आपकी मैंने ड्यूटी लगाई है जी, आपने टीका सर्व करना है, आप टीका लेके जा रहे हो, एक कस्टमर कहते जी कढ़ाई ले, आप सारा काम छोड़े कढ़ाई वाले सब पकड़े, आप मेरी मिल के किसी तरीके से इनको सेटिस्फाई करना है, ये लोग ये जाने और जाके कहेंगे कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, तो इसका प्रॉब्लम नहीं होती, देखिए कि हमारा कितने ख्याल नहीं रहता। हाँ जी, अब टाइम हो गया है इवनिंग का और गेस्ट जो हैं आना शुरू हो गए हैं, ये हमारी ओपनिंग सेरेमनी हो रही है, ये आप देखें इसमें आ जाओ। ठीक हाँ, जज़ाकअल्लाह। बस अब अभी आपको दो तीन सरप्राइजेज और अभी ये बना बनाया दिखा देते हैं कि जी ये हमारा है और इसको देखते हैं तो है हमारे साथ जो है हसीब भाई ने हॉल बनाया और अभी जो है मैंने इनका फूड भी ट्राई किया, अभी हम लोग प्रॉपर भी ट्राई करेंगे, मैंने थोड़ा बहुत टेस्ट किया है और भाई क्या इनका जूसी मीट होता है, और अभी तुम लोग देख सकते हो अभी सीख कबाब वगैरह भी आए हैं, तो ये भी हम लोग जो है स्पून से फारिग होके जो है तैयार हम लोग ट्राई करेंगे। तो अभी जो है हसीब भाई का जो है एक यूट्यूब चैनल है HN बिजनेस स्टार्टअप, जहाँ पे हसीब भाई जो है ना बिजनेस स्टार्ट और उसको रनिंग में लाने के मतलब उसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो उसको उसकी टीचिंग देते हैं। अब बस अक्सर तो तुम लोगों ने देखा होगा कि कोई ऐसी छोटी एक मिनट की टिकटॉक बना देगा और कहेगा कि यार अच्छा ये कर लो ये कर लो ये कर लो तो आप जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा काम, ऐसा नहीं होता। बड़ी डिटेल के साथ जो है किस तरह से जो काम होता है वो हसीब भाई के जो है वो चैनल पे है। और अभी भी तुम लोग अगर जो अगर ये रेस्टोरेंट देखो तो उसको जो है फ्रॉम द स्क्रैच स्टाफ फर्नीचर फूड की टेस्टिंग रेसिपी डिसाइड बड़ा काम होता है उसके अंदर। अक्सर लोगों को लगता है कि बस अच्छा रातों रात जो है हमने सोच दिया काम हो गया, ऐसा नहीं होता। तो हसीब भाई जो है इस चीज़ की बड़ी अच्छी टीचिंग देते हैं, मैंने नीचे इनका चैनल का लिंक दिया होगा, आप जाके लाजमी चेकआउट करना, आपको बड़ा फ़ायदा होगा, नॉलेज भी मिलेगी, दूसरों के साथ भी लाजमी शेयर करना। ये टाइल्स दे रहा हूँ, स्टाफ हायरिंग कर रहा हूँ, अब इसको आज की डेट तक ये भी ऑपरेशनल नहीं हुआ, आज स्टार्ट हो रहा है, इनॉग्रेशन हुई है इसकी, कल से ऑपरेशनल होगा, मैं फर्दर दिखाऊंगा, ये अब चल पड़ा है, इसमें लोग आ रहे हैं, ये ब्रेक इवन पे पहुंच गया है, प्रॉफिटेबिलिटी पे पहुंच गया है, प्रैक्टिकली
तो प्रैक्टिकली मैं करके दिखाऊंगा और गाइड भी करूंगा और बीच में हाइड भी कुछ नहीं करूंगा। और ये लेके आए ना डेकी भाई का सारी तवज्जो इधर है। तो मुँह में जाते ही मेल्ट हो गया। आप मटन लवर हैं? नहीं नहीं मैं बिल्कुल नहीं हूँ। चिकन लवर? लेकिन एक ट्राई करो। मुझे बिल्कुल नहीं मटन। थोड़ा सा ट्राई करें। हमारा शिपू था वो क्या नाम है गुरकुरवानी में। तो यार ये है इनका दुम्बा एग्जैक्ट डिश का नाम क्या है? ये वरेता है। वरेता वरेता वरेता। तो यार ये है वरेता और क्या इतना टेंडर जूसी मीट है वो खाए बगैर ही पता लग रहा है जिस तरह से जो है ना ये चंपे मार रहा है। काश तुम्हें मटन पसंद होता ना तुम कहती मेरा यहीं पे जो है ना घर बना दो। हाँ बहुत अच्छा माशाल्लाह से बड़ा अच्छा टेस्ट है इनका। आप चिकन कबाब नहीं है गरम गरम ना अफगानी बोटी भाई वाकई में मजेदार मजा आ गया। और अभी जो है हम बाकी की डिशे भी ट्राई करते हैं। मुझे तो इसको देख के जो है ना कुछ और है क्या गला हुआ भाई मजा आ गया बहुत अच्छा भाई। ये है चिकन शिनवारी कढ़ाई और जिस तरह मटन का गला हुआ सॉफ्ट सॉफ्ट है ना इसी तरह चिकन भी बहुत सॉफ्ट है यार। अभी जो है ना इनका टेस्ट करते हैं मसाला वगैरह। अभी ये बिल्कुल तुम्हारी टाइप का है। हाँ तुम्हें बहुत पसंद आएगा भाई क्या टेस्ट है मज़ा आ गया। आज का सारा इवेंट मुकम्मल हो गया। मैंने आपको दिखा दिया सुबह से शाम तक रात तक। अब इस वक्त सारी चीज़ें दिखाओ। सारी चीज़ें जो है क्लोज हो रही हैं वाइंड अप कर रहे हैं। कल से हम कस्टमर के लिए ओपन करेंगे रेस्टोरेंट। फर्स्ट डे के अंदर जो रूटीन रहेगी वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। और अब लास्ट में स्टाफ के पास जाऊँगा जिन लोगों ने सारा काम संभाला है तो उनके साथ बात करूँगा और उसके बाद इंशाल्लाह इसे क्लोज करता हूँ। खाने में आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। खाना खाओ सारे लोग। और सब लोगों ने मेरी अच्छा अब मैं सबकी एक एक करके तारीफ़ करूँगा वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये बंदा काम कर रहा है तो ये जो मैनेजर हैं आपके ये बीमार भी सब कुछ है बीमारी के बावजूद काम कर रहे हैं आ रहे हैं। आप लोगों ने संभाला है। किचन वालों ने मुझे कुछ तंग नहीं किया। बाकी जो स्टाफ है उसने मुझे बिल्कुल तंग नहीं किया। ज़फ़र भाई इधर आ जाओ। अब ये बंदा जो है 48 घंटे से जाग रहा है। हालत इसकी बहुत बुरी हुई। तो बहुत मेहनत कर रहा है तकलीफ़ में है नींद नहीं की हुई उसके बावजूद इसने अपना काम संभाला है। बहुत अच्छा इवेंट हो गया है माशाल्लाह।
और मेरी तरफ से अब मैं अप डाउन करके नहीं, मैं सबको बराबर समझ रहा हूँ। कुछ लोगों ने ज़्यादा काम, कुछ हर बंदे का काम मेरे लिए सबका ज़्यादा काम ही है, ठीक है। मैं सारों से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इनाम बहुत छोटा सा है लेकिन ये इसमें जो है ना खलूस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आप सब लोग जितने भी हैं ना, सबको 1,000 रुपया इनाम ना, जितने भी लड़के हैं मेरे तरफ। कल से जो है फिर हिम्मत से इंशाल्लाह हमने शुरू करना है। कस्टमर आएगा, ठीक है। चलो ओपनिंग की टाइमिंग ये है कि अभी तो 11 बजे से हम दिन में स्टार्ट कर देंगे। 11-12 आप लोग शिफ्ट बना लें, शिफ्ट के हिसाब से सारे चलें और नमाज का टाइम लाजमी निकालें, सब लोग नमाज भी पढ़ें साथ के साथ। और इंशाल्लाह दुआ करें अल्लाह से कि हम प्यार मोहब्बत से ऐसे ही जो है आगे बढ़ें।